एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मतलब ये रहता है कि आपको बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन ये होता है कि आपको एब्स्ट्रैक्शन और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी क्लास इज टोटली डिफरेंट. ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज टोटल डिफरेंट थिंग और एब्स्ट्रैक्शन इज अ मतलब डिफरेंट थिंग. जिसमें मेथड मेथड डिफाइन नहीं करते हैं. नहीं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसका आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते. यू कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास. और ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि उसके अंदर एक मेथड ऐसा होता है जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, यानी कि जिसकी डेफिनेशन डिफाइन नहीं होती है. जरूरी नहीं है सारे फंक्शन डेफिनेशन डिफाइन, डिफाइन नहीं होती. हाँ कुछ फंक्शन ऐसे हो सकते हैं जो डिफाइन होंगे, पर कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जो डिफाइन नहीं होंगे. ओके, तो सारा जरूरी नहीं है, कुछ ऐसा पार्ट होगा जो डिफाइन है, कुछ पार्ट ऐसा है जो डिफाइन नहीं है. स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ जी. ओके, जावा कोर, क्या क्या नाम था आपके फोल्डर का? जावा कोर. जावा कोर. सोर्स, यहाँ पे हम एक पैकेज बना लेते हैं पहले. न्यू पैकेज, पैकेज का नाम हमने दे दिया ए बी क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इम्प्लीमेंटेशन. जस्ट इस तरह से नाम दिया है ताकि हमें पहचानने में इजी रहे. अब इसके अंदर हम एक क्लास बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बल्कि हम एक ही प्रोग्राम में डेमो बनाएंगे सीधा क्लास. वैसे हमेशा अलग अलग बनाया जाता है, डेमो क्लासेस मेन, जिसके अंदर हमारा मेन चलेगा, राइट. अब इसके अंदर हम मल्टीपल क्लासेस बनाएंगे. मल्टीपल क्लासेस के केस का क्या मतलब है? पहले हम एक क्लास बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास. क्लास बनाई हमने शेप. ये शेप जो है ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी. इसे एब्स्ट्रैक्ट कहना है तो हमें लिखना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है जिसका यूज करके हम एक क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं. तो यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी. अब इस क्लास के अंदर हम कुछ फंक्शंस बनाएंगे. फिलहाल के केस में हमें पता है कि क्योंकि ये शेप है तो इसके पास ड्रॉ नाम का एक फंक्शन है जो शेप को ड्रॉ करेगा या कैलकुलेट बना देते हैं, जो एरिया ऑफ कैलकुलेट करेगा. क्या आप डिफाइन कर सकते हैं इस फंक्शन की वर्किंग? क्योंकि आपको शेप नहीं पता तो इसकी वर्किंग आपको नहीं पता, तो आप इसे डिफाइन करेंगे एब्स्ट्रैक्ट, राइट. और कोई वेरिएबल हम नहीं ले रहे. हो सकता है फंक्शंस हों, रिक्वायर्ड नहीं है कि हो ही. कुछ फंक्शन ऐसे हो सकते हैं जो डिफाइन होंगे, कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जो डिफाइन नहीं होंगे. फिलहाल के केस में हम पे एक ही फंक्शन है और वो फंक्शन भी डिफाइन नहीं है. नहीं है. इस क्लास से हम एक और क्लास, एक क्लास इनहेरिट करेंगे, रेक्टेंगल एक्सटेंड्स शेप. अब क्योंकि हमने इसे इनहेरिट किया है इनहेरिट किया है किस क्लास से? शेप्स क्लास से. तो ये ऑटोमेटिकली एरर देगा. जैसे ही आप इनहेरिट करोगे एरर देगा. क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि उसके अंदर एक अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है जिसे आपको इम्प्लीमेंट करना है. तो आपने इम्प्लीमेंट किया, ओवरराइड लिखा आएगा उसके ऊपर. ओवरराइड एक एनोटेशन है. एनोटेशन का यूज हम करते हैं ताकि इस ओवरराइड एनोटेशन का हम यूज क्यों कर रहे हैं? ये बता रहा है कि इस फंक्शन को हम ओवरराइड करें. दिस इज ओवरराइडेड फंक्शन. अगर आप ये नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, पर ये लिखने से क्या हुआ कि अगर कुछ नाम आपने गलती से कुछ गलत लिख दिया तो भी वो आप जैसे मान लो इसका नाम आपने कैलकुलेट वन दे दिया हो और आप ओवरराइड लिखते हो तो ये एरर दे देगा. कहेगा कि ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं, किसे ओवरराइड कर रहे हो. तो नेमिंग एरर नहीं हो सकती. अगर आप ओवरराइड लिख रहे हो तो मतलब आप बेस क्लास का कोई फंक्शन ही डिफाइन कर रहे हो, ठीक है. तो आपने वो कर दिया. अब आप इसे रेक्टेंगल के बाकी जो न्यू फीचर्स हैं आप वो ऐड कर लेते हैं. हमारे पास है int l, b, एक कंस्ट्रक्टर. अब एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए इसी पे रेक्टेंगल पे, सोर्स में जाइए. सोर्स हमें ऑप्शन देता है यहाँ पे, सोर्स के अंदर राइट क्लिक करके सोर्स में जाओगे तो यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स होता है ऑप्शन. तो ये हमारा कोड जनरेट कर देगा. हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया. कंस्ट्रक्टर बन के आ गया, देखो दिख रहा है आपको? अच्छा, तो आपको कंस्ट्रक्टर खुद नहीं बनाना पड़ रहा, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया. यहाँ पे आपने किस तरह का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. एक और कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हो डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला, वही सोर्स में जाइए, कंस्ट्रक्टर लाइक दिस. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका बन गया, पर वैल्यूज तो आपको खुद ही इनिशियलाइज करनी पड़ेगी. तो एल इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू जीरो, लाइक दिस यू कैन यूज दिस, ठीक है. अब एक और फंक्शन आता है हमारा टू स्ट्रिंग फंक्शन, जो आपके रेक्टेंगल की साइड्स को
जो बेसिकली ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है. किस नाम का फंक्शन होता है? टू स्ट्रिंग नाम का. तो आप उसे कैसे डिफाइन करेंगे? सोर्स टू स्ट्रिंग, जनरेट टू स्ट्रिंग, जनरेट कर दीजिए. जैसे ही आप जनरेट करेंगे, टू स्ट्रिंग नाम का एक फंक्शन क्रिएट होके आ गया, जिसमें आपने कहा रेक्टेंगल की वैल्यू, जो आपके पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू उसने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दी, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दी. ठीक है, ये अपने आप ही कर देगा. इतना समझ में आ गया आपको? कैलकुलेट में हमें एरिया कैलकुलेट करके प्रिंट कराना है. तो इंटीजर एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, देन प्रिंट करा दो एरिया और एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to then plus area, right? Area. Done. अब अगर इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं मेन में, तो डेमो क्लास आ गई हमारे पास. हम शेप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, शेप एस. ऑब्जेक्ट तो हम क्रिएट कर नहीं सकते. अगर हम क्रिएट करने की कोशिश भी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एरर आएगी. एरर आ रही है. एरर क्यों आ रही है? पढ़ो. मल्टीपल मार्कर एट द सेम लाइन, न्यू शेप, टू डू और टू जनरेटेड. हाँ, तो बेसिकली ये वो, ये तो उसी वजह से एरर दे रहा है कि आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, आप एरर नहीं, वो नहीं कर सकते हो. अब इस चीज को हटाने के लिए आपने क्या किया? न्यू रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया. क्योंकि शेप आपका क्या है? बेस क्लास है. तो जो बेस क्लास होती है उसके ऑब्जेक्ट या उसके रेफरेंस के पास ये खासियत होती है कि वो अपनी ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है. तो हमने यहाँ पे s डॉट, बल्कि हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया है ना, कंस्ट्रक्टर में हम वैल्यू भी डाल देते हैं 10 और 20. अब हम कैलकुलेट करेंगे s डॉट कैलकुलेट. यस, डन. रन करिए, रन कंसोल. यहाँ आपका आउटपुट आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. कोई दिक्कत? लेकिन मतलब बोलो, जब हम नॉर्मली बना सकते हैं क्लासेस, मतलब ऑब्जेक्ट्स, तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों क्रिएट करते हैं जब हम एनी विच फेज उसको ओवरराइड तो कराएंगे ही नीचे जाके? बिल्कुल. तो उसका सिग्निफिकेंस समझ नहीं आया मुझे. सिग्निफिकेंस मैं आपको समझाता हूँ. सिग्निफिकेंस होता है बेसिकली, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है? आपने एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया कि जो मेरे जूनियर्स हैं, मतलब मैं मैनेजर हूँ एज अ प्रोग्रामर, तो मैंने ये बता दिया कि भाई ये फील्ड्स होने चाहिए या ये वेरिएबल्स होने चाहिए, ये फंक्शंस होने चाहिए. पर इन फंक्शंस की वर्किंग हर क्लास अपने हिसाब से बनाए. अच्छा, हर क्लास के पास ये फंक्शनैलिटी तो हो, पर रेक्टेंगल जो है वो एरिया बनाए, कैलकुलेट बनाएगा. ट्राइंगल जो है वो भी कैलकुलेट बनाएगा. पर कैलकुलेट दोनों ही एरिया कर रहे हैं, पर दोनों अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन अपने हिसाब से देंगे. अच्छा, ठीक है. इम्प्लीमेंटेशन आप अपने हिसाब से प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. जो कि बेसिकली क्या कर रहा है कि भाई आपने ऊपर डिफाइन कर दिया और कह दिया अब इम्प्लीमेंट हर कोई करेगा. जैसे आप बटन, जैसे आप इवेंट हैंडलिंग करोगे, तो इवेंट हैंडलिंग में बटन है. बटन को अगर आपको उसकी वर्किंग डिफाइन करनी है, तो सबके कोड में सिंक्रोनाइजेशन लाने के लिए हमने क्या कहा कि हर कोई एक एक्शन परफॉर्म नाम का बटन फंक्शन बनाएगा, उसके अंदर आपकी बटन की. तो एक नए यूजर को डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आइडिया लग जाएगा भाई कहां पे किस चीज की कोडिंग है. तो दैट इज द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास. एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली आपका वर्किंग को, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट जब हम बेस क्लास बना रहे हैं तो जनरल स्ट्रक्चर हमने डिफाइन कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन हमने यूजर को दे दिया कि भाई जैसे जैसे आप अपने मॉडल्स क्रिएट करोगे उस हिसाब से आप उसे डिफाइन कीजिएगा. जैसे हमने अभी एक ही क्लास बनाई ना, रेक्टेंगल. अब हम एक सर्कल भी बनाएंगे. अच्छा, ठीक है. शेप से ही बनाएंगे. क्या हो गया? दो तीन कर दिया मैंने क्लिक. रेक्टेंगल. अब यहाँ पे हम दूसरी वाली जो क्लास हमने कॉपी किया इसे सर्कल कर देते हैं. ठीक है, सर्कल के पास एल और बी तो नहीं होंगे, रेडियस होगा. रेडियस इज जीरो, बी की वैल्यू जरूरत नहीं है. यहाँ पे सर्कल लिख दीजिए लाइक. तो ये आपके ऊपर है, आप क्या बनाना चाहते हैं क्या नहीं बनाना चाहते. पर आपके लिए ये इम्प्लीमेंट, आप
कंस्ट्रक्टर बनाना चाहो बनाइए, नहीं बनाना चाहते मत बनाओ, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, पर आपको कैलकुलेट बनाना जरूरी है, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और जो भी इसे इंप्लीमेंट करेगा उसके पास ये फंक्शन जरूर होगा। टू स्ट्रिंग्स को हम खुद भी डिफाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हमें वही यूज करना जो बना हुआ है, राइट? आप क्या कर रहे हो, रिटर्न, हमें टू स्ट्रिंग में क्या है जो हमारे वेरिएबल्स हैं, क्लास के वेरिएबल क्या है, जैसे हमारे पास इस सर्कल क्लास के पास वेरिएबल क्या है, आर है, तो हम आर को प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं रेडियस देन प्लस आर, डन। अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया ना पूरा, तो रिटर्न स्ट्रिंग कर दो। तो हमें बेसिकली जो भी वेरिएबल्स होते हैं उन्हें कैसे प्रिंट करना है वो फॉर्मेट हम टू स्ट्रिंग फंक्शन में डिफाइन कर देते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो उस हिसाब से हो जाएगा। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे डबल टाइप का, पाई आर स्क्वायर डबल, पाई के लिए 3.14 इनटू आर, तो एरिया ऑफ सर्कल आप लगा दीजिए रेक्टेंगल की जगह। ये कुछ अपडेट होने लगता है ना, देन प्रॉब्लम करता है, स्लो हो जाता है, फिर वो अपडेट होना चालू शुरू होता है ना, अभी भी कुछ हो रहा है अपडेट, एक बार हो के खत्म हो एरिया, राइट? तो अब ये देखिए, ये है आपका एक और एडवांटेज, जब आपने एस बनाया, ध्यान से समझिएगा सर, एस आपने बनाया तो आपने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, आपने रेफरेंस बनाया। अब अगर एस के अंदर आपने न्यू रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट डाला तो ये कैलकुलेट होगा रेक्टेंगल का, ठीक है, और अगर एस के अंदर आपने फिर चेंज कर दिया न्यू सर्कल रन टाइम पे, पहले से नहीं रन टाइम पे ही आपने चेंज किया, इसमें आपने 5 पास किया, तब जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये किसका कैलकुलेट करेगा, सर्कल का कैलकुलेट करेगा। तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है कि ऑब्जेक्ट के थ्रू जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है कि ऑब्जेक्ट के अंदर किस टाइप के ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, किस ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, एस है उसके अंदर किस ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, उसके टाइप पे डिपेंड कर रहा है कंस्ट्रक्टर कॉल होना वैल्यू पे। और इन केस ऑफ नॉर्मल फंक्शन कॉलिंग उनमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट किस क्लास का उस पर कॉल हो रहा है, एस शेप क्लास का है, पर फंक्शन कौन सा कॉल हो रहा है उसके अंदर जिसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू है रेक्टेंगल की या सर्कल की, तो जिसकी है उस पे कॉल हो रहा है, दिस इज रन टाइम, क्योंकि वैल्यू जो चेंज होती है वो रन टाइम पे चेंज होती है, है ना। टाइप का आप एक बार डिक्लेयर कर दोगे रन टाइम पे, जैसे मान लो आप पेंट ब्रश यूज करते हो, देखो पेंट ब्रश, पेंट ब्रश में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में यूज होता है, कैसे, ये जो कर्सर है हमारा मूव कर रहा है यहाँ पे, ये क्लासेस बना के दे दी डिफरेंट शेप्स। अब जब कर्सर मैंने इस पे क्लिक किया तो लाइन क्रिएट होने लग गई, ड्रॉ फंक्शन कॉल हुआ, लाइन क्रिएट होने लग गई। अब मैंने ओवल पे क्लिक किया, जब मैंने ये क्लिक किया ड्रॉ ही कॉल ड्रॉ ही हो रहा है, पर जिस ऑब्जेक्ट को आप क्लिक कर रहे हो, जिस टूल को आप क्लिक कर रहे हो, उस टूल से रिलेटेड आपका फंक्शन इन्वोक हो रहा है, जिसका इंप्लीमेंटेशन, क्लियर है ना, समझ में आया। तो इस तरह से ये रन टाइम है, आपने पहले से आपने बना के नहीं रख दिया, अगर आप बार बार बना के रखोगे तो वो रन टाइम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपने सर्कल किया, अब आप कॉल कर लीजिए इसे, तो इसलिए इसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। तो मैंने कहा था आपको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है हम कहाँ पे यूज करेंगे, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस तो इनहेरिटेंस के टाइम पे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूज करते हो, क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती है वहीं पे इम्प्लीमेंट होता है उसका जनरली। बहुत ये देखिए, एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों आ गए, राइट? कोई डाउट है? नहीं, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए एक बार। एक्सेप्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम ट्राई और कैच की बात करेंगे, ठीक है? डेमो ऑफ ट्राई एंड कैच, ट्राई का टी कैपिटल, ट्राई कैच, ठीक है।
एक्सेप्शन होती क्या है? पहला क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज एक्सेप्शन? एक्सेप्शन इज रन टाइम एरर. रन टाइम एरर, दो तरह की एरर्स होती हैं. एक होती है सिंटेक्स एरर, जो आप लिखने में गलती कर देते हो, जैसे आपने सेमी कॉलन नहीं लगाया. बेसिकली हर लैंग्वेज की एक ग्रामर होती है, और अगर आप ग्रामर गलत लिख रहे हो तो वो लैंग्वेज के सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स पूरे नहीं होंगे. तो वो जो एरर है वो आपकी क्या है? सिंटेक्स एरर है, कंपाइल टाइम एरर है, जो कंपाइलर ही बता देता है आपको. आप लिखते हो int a और आप एंटर मार दो, यहीं आ जाएगी एरर, राइट? जैसे आप ये लिखोगे एरर दिखानी शुरू कर दी उसने, यहाँ दिखा रहा है ना. तो कंपाइलर बेसिकली पैरेलली डिटेक्ट करके आपको एरर दिखा रहा है. दिस इज योर सिंटेक्स एरर. पर कुछ एरर ऐसे होती है जो आपके ऐसे सिंटेक्स में नहीं, ग्रामर में नहीं है, जो लॉजिकल है. जैसे मैंने आपसे कहा एडिशन ऑफ टू नंबर करिए, आपने पूरा प्रोग्राम लिखा पर प्लस की जगह माइनस लगा दिया. एडिशन के प्रोग्राम में प्लस की जगह क्या लगा दिया आपने? माइनस लगा दिया. माइनस, तो उस केस में आउटपुट क्या आएगा? सब्ट्रैक्शन. मैंने 5 और 3 दिया, एक्सपेक्टेड मेरा था 8 आए, पर आपने माइनस लगाया इसलिए क्या आया? 2 आ गया. 2, तो दैट इज मतलब प्रोग्राम तो रन हो रहा है, आउटपुट वो नहीं आ रहा है जो एक्सपेक्टेड है. अगर मैं एक इनपुट दे रहा हूँ उसके हिसाब से अगर मेरा आउटपुट नहीं आता है तो दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड आउटपुट, दैट इज योर रन टाइम एरर. क्लियर है? और सॉरी, दैट इज योर लॉजिकल एरर, जो लॉजिकल एरर से गलत है. रन टाइम एरर कहती कि भाई एक प्रोग्राम है सिंटैक्स सही चल रहा है. ना 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 ना, रन टाइम एरर सिंटैक्स पे नहीं जाती. रन टाइम कह रही है ये प्रोग्राम अभी बिल्कुल ठीक चल रहा है, पर कुछ सेट ऑफ वैल्यूज के साथ जब आप इनपुट करोगे तो वो ठीक नहीं चलेगा. तब वो रन टाइम में आपके प्रोग्राम को बीच में इंटरप्ट कर देगा, चल नहीं पा रहा. अच्छा, एरर आ गई, वो रन टाइम एरर होती है. रन टाइम एरर समझ में आई? जैसे जब हम टू स्ट्रिंग करते हैं, टू स्ट्रिंग वाले में जैसे जब प्रॉब्लम आती है. टू स्ट्रिंग में तो आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हो, उसका क्या मतलब? नहीं नहीं, वो जब हम वो नेक्स्ट इंट करके करते हैं स्ट्रिंग को इनपुट कराते हैं. इनपुट करते हो और इनपुट ना जब समझो, जब आप इनपुट करा रहे हो, मैंने कहा एक नंबर एंटर करो, अभी दिखाते हैं आपको. देखो, स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इसका यूज करके हम इनपुट कराते हैं ना. हम एक नंबर एंटर कराएंगे, हम मैसेज देंगे भाई एंटर ए नंबर. पहले इंपोर्ट कर लेते हैं. क्या क्या चीजें आती रहती हैं, बहुत स्लो चल रहा है ना, ऐसे अपडेट नहीं होना चाहिए. नेट बंद कर दो तो सही चले फिर तू ही नहीं दिखेगी. अब यहां मैसेज देंगे एंटर अ नंबर. मैंने जस्ट क्या किया कि भाई एक नंबर एंटर करो और उसे उसका स्क्वायर कर दो. मेरा क्वेश्चन ये है कि सिंपल क्वेश्चन, एक नंबर इनपुट करना है इन डॉट नेक्स्ट इंट, फिर इंट b is equal to a into a, oops, a into a, स्क्वायर हो गया, प्रिंट कर दो. 10 में अंदर आ गया सेमीकोलन. हाँ, ठीक करूँगा बाद में. स्क्वायर इज इक्वल टू देन प्लस b, और यहाँ पे आप ये हटा दीजिए, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दीजिए. नेक्स्ट इंट डन, यही करना है हमें, और कुछ करना नहीं, राइट? रन करते हैं सर. रन किया, कंसोल हमारा ये रहा, रन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है. अबे चल भाई, चलता क्या नहीं, पागल है क्या? अरे नहीं हुआ, हमने तो किया था, अब हुआ है. बट आपके इस पे कितने प्रोग्राम्स होंगे ना, इसलिए स्लो हो गया होगा. नहीं यार, वो प्रोग्राम नहीं, ये अपडेट कर रहा है कुछ, ये ग्रेजुअली ना कुछ कुछ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इंस्टॉल कर रखी हैं, तो वो उसी का अपडेट मारता रहता है बार बार, तब होता है वो स्लो, वरना इतना स्लो है नहीं, सिस्टम तो फास्ट है. तो अब मैंने नंबर डाला लाइक 25, बिल्कुल सही है, राइट? दोबारा रन करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम तो ठीक है, प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है. हमने एक और नंबर डाला, हाँ, यहाँ पे अब हमने डाल दिया क्या, -5, बिल्कुल सही है. नहीं, नहीं है सही, लेकिन दे नहीं रहा.
नहीं नहीं सही है, सही है, देगा भाई, ऐसे कैसे नहीं देगा, देगा ठीक है। पर अब मैं अगर मान लो कोई पॉइंट की वैल्यू डाल देता हूँ 2.5, पर वहां हमने यूज किया है नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट किया है तो इंटीजर वैल्यूज है ना, तो इंटीजर वैल्यू 2.5 एक्सेप्ट नहीं करेगा या 25.5, तो ये एरर दे देगा, और ये एरर होगी रन टाइम एरर, जिसे हम कहते हैं एक्सेप्शन। जो आपने इनपुट किया उस हिसाब से हमारा प्रोग्राम, अब आप यूजर का हाथ तो रोक ही नहीं सकते ना, आपने यूजर से कहा एंटर ए नंबर, वो कुछ भी डाले, तो आप यूजर को, अब इससे क्या होगा, आगे का प्रोग्राम चला ही नहीं, हैंग हो गया। तो ये जो एरर है ये क्या है, जावा डॉट यूटिल इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, क्या आपका मैच नहीं हुआ, तो मैंने इसे जस्ट कॉपी करा, ठीक है, क्या ये एक्सेप्शन इन थ्रेड, अब इसे मैं हैंडल करता हूं, हैंडल मतलब कैसे कर सकते हो हैंडलिंग आप, तो आपको अपने प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा ट्राई ब्लॉक, ट्राई लिखा आपने और आपको पता है एरर आ सकती है इनमें, तो इस कोड को मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दिया, बहुत सिंपल हैंडलिंग बता रहे हैं, कैच, अगर हमारी वो वाली एक्सेप्शन आ जाती है जो हमने बोली, यानी कि इनपुट टाइप इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, तो हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे प्लीज इनपुट वैलिड इंटीजर नंबर, ताकि यूजर को पता चल जाए कि भाई गड़बड़ हुई क्या, क्योंकि जैसा मैसेज यहां आया कंसोल में, इससे तो यूजर को कुछ समझ में आएगा नहीं, एक नॉर्मल इंसान को सोचो जो प्रोग्रामिंग नहीं जानता, उसे थोड़ी मतलब है भाई कोई लाइन में ऐसी थ्रेड आ गई थ्रो एक्सेप्शन और ये वो, तो उसको उसकी लैंग्वेज में चाहिए, तो उस वो जो एरर मैसेज हमें देने हैं वो हम उस हिसाब से देंगे, ताकि हमारी वो एरर ना आए। अब रन करते हैं, हम सेव करके दोबारा रन हो, क्या हो गया, कितना स्लो हो जाता है ना, इरिटेशन हो जाते कई बार, या तो मैं ही सुपर फास्ट हूं सिस्टम से भी ज्यादा। नंबर अगर हम गलत डालते हैं, मान लो आपने ऐसे कुछ डाल दिया एबीसीडी, तो क्या रहा है, प्लीज इनपुट वैलिड इंटीजर नंबर, तो इससे यूजर को समझ में आएगा अच्छा नंबर ही डालना है, पहली चीज तो ये। दूसरा आप यूजर को कंट्रोल भी कर सकते हो, ये फर्स्ट केस समझ में आ गया, आपने ट्राई ब्लॉक लगाया, ट्राई ब्लॉक हम वहां लगाते हैं जहां पे हमें लगता है एरर आएगी, तो दिस इज योर मॉनिटर कोड, दिस इज योर मॉनिटर कोड जिसे हम मॉनिटर करना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे यूजर इंटरेक्ट कर रहा है और जहां पे यूजर इंटरेक्ट करता है वहां पे एरर आती है, तो इसे हमने मॉनिटरी पार्ट में रख दिया, ट्राई ब्लॉक के अंदर जो मॉनिटर है वो रख दिया, और यहाँ पे हैंडलिंग कोड कि अगर एरर आ गई तो उसको करना क्या है, फिर एरर तो आ गई, यूजर ने गलत इनपुट दे दिया, अब क्या करें, तो आपने हैंडलिंग कोड भाई ये काम आपको करना है वो इधर लिख दिया, तो दिस इज एरर हैंडलिंग, क्या आपने एरर ली, रन टाइम एक्सेप्शन आई, एक्सेप्शन को हैंडल किया, हैंडल यहाँ पे आपने हैंडलिंग पार्ट बता दिया कि भाई ये एरर है, दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन बहुत सारी हैं, प्री डिफाइंड एक्सेप्शन हैं, उनको अभी यूज किया हमने, हमने कहा भाई एरर आई थी उसी को यहाँ लिख दिया इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, जब हम स्कैनर क्लास का यूज करके अगर इनपुट कराएंगे और मिसमैच होगा, मिसमैच मतलब नंबर फॉर्मेट वैलिड नहीं होगा, तब एरर देगा, क्लियर है, डन, समझ में आ गया, डन, हाँ जी 100%, तो ये लिख लूं क्या, हाँ अब लिखोगे,